शिशवी में आत्मरक्षा शिविर का समापन, शिशवी में आयोजित 14 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का सोमवार को भव्य समापन हुआ। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना था। शिविर में ब्लॉक के विभिन्न स्कूलों की लगभग 60 महिला शिक्षिकाओं ने भाग लिया। ब्लॉक प्रशिक्षण समन्वयक रिसोर्स पर्सन जीवन सिंह कीतावत ने बताया कि राव मावी शिशवी में गत 14 अक्टूबर से आयोजित शिविर में ब्लॉक की उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक केजीबीवी और पीएमश्री विद्यालयों की लगभग 60 महिला शिक्षकों को दक्ष प्रशिक्षक रेणु राणावत, रेणुका शुक्ला, सुनैना राणावत, ललिता रेगर ने हेड मूवमेंट, किक मारना, ब्लॉक करना सहित आत्मरक्षा से जुड़े विभिन्न पंच का प्रशिक्षण दिया। सीबीओ शमसुद्दीन मंसूरी ने अपने संबोधन में कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को सुरक्षा में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से खुद की सुरक्षा के लिए विभिन्न सुरक्षा पेचों में पारंगत होना बहुत मददगार साबित होगा। संकट काल से निपटने और खुद की सुरक्षा में इस तरह के प्रशिक्षण शिविर महिला सुरक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। शिविर के दौरान अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक घनश्याम गौड़, कार्यक्रम अधिकारी राकेश पुरी गोस्वामी ने संबलन दिया। जिगीशा जोशी ने मनोबल बढ़ाया। समापन समारोह में पीईओ नीलू ढाबाई, करौली पीईओ उमेश महात्मा, रिसोर्स पर्सन भैरूलाल खट्टीक, जीवन सिंह कितावत अतिथि थे। शिविर प्रभारी कृष्ण चंद्र पालीवाल ने नेतृत्व पर वार्ता दी। शिविर में सीमा झिंगर, गरिमा टंडन, रेखा सोनी, कृष्णा यादव, पुष्पा कुमावत, नीलम चुंडावत, रेखा पालीवाल, रेखा बसीटा सहित शिक्षिकाओं ने आत्मरक्षा से जुड़ी शारीरिक और मानसिक दक्षताएं हासिल की। मैं शमसुद्दीन मंसूरी, सीबीओ देलवाड़ा। अभी हमारे देलवाड़ा ब्लॉक का आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिशवी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहा है, जो 14 अक्टूबर से आज 21 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। इसमें सभी संभागियों ने बहुत ही उत्सुकता से भाग लिया और जो केआरपीज है, बहुत ही दक्ष केआरपी है, इन्होंने सारे संभागियों को आत्मरक्षा के विशेष गुण सिखाए हैं और ये संभागी अपने विद्यालय में जा कर के बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाएंगे, जिससे अभी देश भर में और जहाँ जहाँ प्रदेश में बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, वो उससे अपना बचाव कर सके। स्थानीय ब्लॉक देलवाड़ा में संस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आदेशों के अनुसरण में ये 7 दिवसीय कैंप आयोजित हुआ है। इसमें हमारे देलवाड़ा ब्लॉक की लगभग 70 अपर प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों से सभी महिलाएं संबंधी और कुछ एक जहाँ महिला शिक्षिका कार्यरत नहीं है वहाँ से पुरुष बुलाया है। ये क्या हमारे जो 4 एसआरजी राजस्थान पुलिस अकादमी से नए होकर आए हैं और उन्होंने 7 दिवस तक बालिका शिक्षा है, बालिका आत्मरक्षा है, आत्म सुरक्षा के जितने भी जो गुण होते हैं उनको कैसे अपन डेवलप करें और उन बालिकाओं में कैसे उन गुणों का अपन निखार कर सके, ये 7 दिवसों में अपने को बताया गया है। और ये शिविर के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होने के नाते जो कि भौतिक सुविधाएं हैं, मानवीय सुविधाएं हैं यहाँ अवेलेबल कर रही है, निश्चित रूप से ये जो शिविर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की मंशा के अनुरूप बालिकाओं को सशक्त बनने के लिए एक नियम का पत्थर साबित होगा। अभियान की तरफ से रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण की शुरुआत की गई, जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक है। यह देवड़ा ब्लॉक में दिनांक 14 से 21 दस तक रखा गया और आज का समापन समारोह है। हमने 14 तारीख की शुरुआत की, उसी हमने पंचेज बताया कि किस तरह से हम अपना बचाव पंचेज से कर सकते हैं। उसके साथ ही हमने ब्लॉक भी बताया, पंचेज के साथ अगर अपने ऊपर को पंच करा तो उसको ब्लॉक कैसे किया जाता है। 15 तारीख को हमने हैंड मूवमेंट बताया कि किस तरह से ब्लॉकिंग की जाती है, किस तरह से अपना बचाव किया जाता है। 16 को हमने फिर किक बताई कि कैसे पाँव से भी बार किया जाता है। उसके बाद हमने काथा बताया कि चारों तरफ से जो अपने ऊपर आपको अटैक करता है तो उससे अपना बचाव अपन कैसे कर सकते हैं। फिर हमने आज इनको फोर्स बताया कि कैसे अगर कोई अपन को आके पकड़ लेता है तो अपन को कैसे उठा के उसको फेंकना है, ये हमने बताया। पहला पड़ा था वो पंचेस का था, जिसके अंतर्गत अपर पंच, मिडल पंच और लोअर पंच और उनको ब्लॉक करना सिखाया। उसके अलावा फिंगर अटैक्स किस प्रकार और किस जगह किया जाना चाहिए जिसका फायदा हो वो बताया गया।
बताए गए, काटा बताया गया और सिंह बताई गई और किन परिस्थितियों में किस अटैक द्वारा हम अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं और बालिकाओं